ओके बच्चों, तो हम आज सीयूटी का पेपर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है कम से कम टाइम में, और कैसे हम ऑप्शंस को भी देखें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। कभी कभी ऑप्शन से भी हमको आइडिया लग जाता है कि पूछना क्या चाह रहा है, राइट। तो स्टार्ट करें। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछा है फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर डिपेंड्स ऑन। तो फ्रिक्वेंसी, अगर एसी करंट को अपन लिखें एसी को, तो आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो बच्चों इसमें जो रोटेशन होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जब एसी जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसको किस स्पीड से आप रोटेट करवा रहे हो, ओमेगा क्या है इसमें, वो यहाँ पर आपको जो है आपकी एसी जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करेगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, मतलब ये एसी अगर है तो इसके एम्पलीट्यूड, इससे आपके एसी जनरेटर की फ्रिक्वेंसी पे कोई डिफेंड फर्क नहीं पड़ता। साइज ऑफ कोयल, कोयल छोटी लोगे बड़ी लोगे, इससे भी एसी की फ्रिक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कोयल, ये इसका सही आंसर होगा, राइट। वेवलेंथ ऑफ द एसी, इस पे कोई इसका कोई रिलेशन, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कोयल। इसके बाद ये जो एक क्वेश्चन है इसमें आपके रेसिस्टेंस है, इक्वल रेसिस्टेंस आपने ज्वाइन किए हुए हैं, 3 इक्वल रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ आर ओम ऐसे कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड एज शोन ए सेल ऑफ 10 वोल्ट। ये यहाँ पे 10 वोल्ट का एक आपने सेल लगा रखा है। द इंटरनल रेसिस्टेंस जो है इस सेल का वो आपने दे रखा है 0.5 ओम। इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ये जो आपने आर आर इक्वल लगा रखे हैं इनमें आर की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द हीट जनरेटर इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो बच्चों इसके लिए कंडीशन होती है क्या कि आर इक्वलेंट जो सर्किट में है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के क्या हो, इक्वल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कनेक्टेशन कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ऊपर ये इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस बोल लो इसको, और फिर ये आपका सेल आ गया आर आर और आर। तो पहले तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालो आप, ये इसको सबको हटा के एक आर निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर ये पॉइंट ए है, अगर इसको हमने पॉइंट ए बोला है, तो ये देखो एक सिंपल कनेक्शन एक वायर से कनेक्टेड है जिसका कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस आप 0 मान सकते हो। तो बच्चों ये अगर पॉइंट ए हुआ तो ये पॉइंट भी तो ए होगा। ऐसे ही अगर इस पॉइंट को आपने बी कंसीडर किया है या बी बोला है, तो देखो ये सिंपल एक वायर से कनेक्टेड है, यहां पे आ रहा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, पॉइंट बी होगा। अब आप इसको डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, ये पॉइंट ए हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट बी हो गया। तो पहला रेसिस्टेंस आई थिंक ए और बी के बीच में है, तो बिल्कुल बना सकते हो आप ऐसे, आर हो गया, राइट। सेकंड जो है ये भी ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस, तो इसको भी हम यहाँ बना सकते हैं, ये भी आर हो गया। ऐसे बच्चों जो थर्ड है वो भी ए और बी के बीच में है, आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि तीनों किस में बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये आपका वही सेल और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो पैरेलल में अपन क्या जानते हैं कि जो भी आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/r + 1/r + 1/r। तो 1/r + 1/r, 1 सेकेंड, 1/r + 1/r + 1/r, आई थिंक ये 3/r हो गया है। तो 1/r इक्विवेलेंट 3/r है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया अपने पास, r इक्विवेलेंट हो गया बच्चों r/3। यहां पे रख दो r
डिवाइडेड बाय 3, और स्मॉल आर कितना दे रखा अपने को, इंटरनल रेसिस्टेंस इसने ये दे रखा है 0.5 ओम, तो 0.5 ओम, तो यहां से आर कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 ओम। ठीक है, तो समझाने में इतना टाइम लग गया, बाकी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत सेकंडों में ये काम हो जाता है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 ओम। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द लिस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो देखो, अच्छा के क्यू तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले सकते हो, तो ये जो है डिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मतलब ये ए जो है वो किससे मिल रहा है, ये थर्ड वाले, तो ये हो जाएगा, ये ए से मैच करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, बच्चों डाइपोल के लिए जब निकालते हैं पोटेंशियल तो वो आता है 1/r². ठीक है, ये हम डिटेल में डेरिवेशन से आ जाता है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा अपने सेकंड, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट वन। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, तो 2kp/r³ आता है, तो इसमें जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो मतलब ये किस में आ जाएगा बच्चों, सी वाले के में आ जाएगा। फिर अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रापोल, तो क्वाड्रापोल में ये क्या होता है, r⁴ होता है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा इसमें लास्ट ऑप्शन डी, तो उसमें ई प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ में जाएगा क्वाड्रापोल की जब हम लोग बात करें। तो ठीक है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग देखो, ए जो है वो तो थर्ड में है, ठीक है, तो यही सही लग रहा है बच्चों, देखो पहला ही मैच कर रहा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, और सी में सेकंड, और इसमें ये फोर्थ, बिल्कुल सब मैच करें, ए में फर्स्ट, तो अपना ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, तो ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपको मैच करना है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया, पॉइंट चार्ज के लिए भी, डायपोल के लिए भी पूछा है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, किसके लिए, डायपोल के लिए और क्वाड्रापोल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन कौन से करेक्ट है। अब ये अपने जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट था वहां से आता है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बच्चों इसके लिए एक सिंबल होता है ये ऐसे काई, ये होता है I/H। रफली अगर बात करें बच्चों, तो किसी मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, उस मैग्नेटाइजिंग है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो आया उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो आया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने कितना वो लाने के लिए आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसको अपन एच से लिखते हैं। तो ये फील्ड ही है, दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। तो देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई की बात कर रहा है, टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। तो ये तो सही है, राइट, तो पहला सही हुआ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, ये आया हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये आपने दिया जो, तो दोनों सेम ही है, देयरफॉर नो यूनिट, इनकी कोई यूनिट नहीं होता, इसे नंबर आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक नंबर होता है बस। तो बच्चों ये भी सही है, राइट। फिर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर द वैक्यूम इज 1, ये गलत है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब यहां पे हुआ, किसी मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बताता है। आप तो समझो मैग्नेटिक जो नेचर है उसको एक्सेप्ट करने की जो है फॉर्म, उसको अपन ससेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टिबिलिटी बोल सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर वैक्यूम है तो उसका तो भाई
जीरो होगा, वैक्यूम थोड़ी ले पाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वहां तो कुछ है ही नहीं फिर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ए और बी अपना क्या हुआ है बच्चों, इसमें सही है और सी रॉन्ग है। तो आप देख लो जहां जहां सी है वो तो वैसे ही अपने रॉन्ग हो गए। ठीक है, चलो अब ई को देख लो, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये बोल रहा है कि एच की अगर जो वैल्यू है वो स्मॉल होगी, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ये तो रॉन्ग हुआ भाई, ये जो है अपने पास ये है आई डिवाइडेड बाई एच, अगर ये स्मॉल है तो ये तो हाई होगा ना, राइट right? तो रॉन्ग है ये, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ई वाला भी रॉन्ग हो गया, तो ए और बी ही इसमें क्या है बच्चों, सही है। तो बी अपना जो है इसमें राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 4 टू एन इज इक्वल टू 2, ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, ये एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 और ये एन इज इक्वल टू 4, तो 4 से 2 में आएगा तो ये रेडिएशन इमिट कर सकता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसके लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 स्क्वायर। अब एन 1 क्या है, तो एन 1 इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा 2, और कहाँ से आ रहा है, ये लोअर ऑर्बिट होता है, एन 2 अपर ऑर्बिट, तो कौन से में से आ रहा है, 4 में। तो रखो इसमें 1 बाई लैम्डा इज इक्व टू आर, ये रेडबर्ग कॉन्स्टेंट जो है, तो एन 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 16। तो आई थिंक अगर इसमें एलसीएम लोगे आप 16, तो 4 माइनस 1 आई थिंक 3 आर डिवाइडेड बाई 16 होगा, 1 बाई लैम्बडा है, तो लैम्बडा कितना हो गया, लैम्बडा हो गया 16 डिवाइडेड बाई 3 आर। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन, आई थिंक क्लियर नहीं है वहां पे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 3 आर, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट, द मैक्सिमम पावर ड्रॉन आउट ऑफ अ सेल इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम पावर वही चीज बच्चों कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब जब भी पावर की बात करेंगे तो मान लो कोई भी सेल है स्मॉल आर, ये जो भी है, इसमें से मैक्सिमम पावर आउट करने के लिए तो क्या होगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद स्मॉल आर। करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल या ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस टोटल, जिसमें सर्किट का वो जो ऊपर सर्किट है उसका आर इक्विवेलेंट प्लस सेल का जो है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, इसको भी आप स्मॉल आर बोल सकते हो, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर लिखते हैं, बट दोनों ही सेम है, तो 2R और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर, तो आई थिंक ये हो गया बच्चों ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर स्क्वायर, आर एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, ये अपना आंसर होगा। तो ये देखो बच्चों बी वाला जो ऑप्शन है ये है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, ये अपना राइट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे इसमें लगाया। ऑसिलेशन पीरियड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल डज नॉट डिपेंड ऑन, मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है तो वो रोटेट कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है बच्चों आता है वो एम बी साइन थीटा, और अगर बहुत स्मॉल डेविएशन है, एंगल बहुत स्मॉल है, तो इस थीटा को, साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा केवल लिख सकते हैं। अब बच्चों ये है देखो टॉर्क, बल आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं हिंदी, तो ये होता है आई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज अल्फा एम बी थीटा, ये बच्चों इसको एंगुलर एक्सेलेरेशन बोलते हैं, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी थीटा। आई को भी नीचे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड विथ थीटा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये तो लीनियर एसएचएम के लिए बात है, ये एंगुलर एसएचएम की बात है। तो ये जो टर्म है बच्चों, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, एम बी डिवाइडेड बाय आई का रूट, और ओमेगा बच्चों होता है वो टू पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या लिख देंगे हम लोग, इसको इधर इन सबको उल्टा करके उधर चिपका दो, तो आई डिवाइडेड बाई एम बी। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई यहाँ पर, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो डायमेंशन एंड मास ऑफ नीडल बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद में भी मास आता है, तो डिपेंड करेगी इसमें, ये तो सही है। डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम, डाइपोल मोमेंट ही है, डिपेंड कर रहा है इस पे भी। ओरिजिन कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा हुआ है, तो ये कुछ चेंज होगा तो ओबेसिटी चेंज होगा, तो ये भी डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ सस्पेंशन फाइबर, ठीक है, जो भी आपने वायर वायर किया उसकी लेंथ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, देखो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा वो कौन सा है, टी, लेंथ ऑफ सस्पेंशन फाइबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर हाई होना चाहिए, वन बाई आर रूट एल डिवाइडेड बाई सी। देखो बच्चों, इसमें आपको इसमें क्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो क्यू को आपको क्या करना है, इसमें इंक्रीज करना है। तो क्यू को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, देखो पहला तो आर को डिक्रीज करो या तो, और एल को इंक्रीज करो, और सी को भी डिक्रीज करो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखो जिसमें आर मैक्सिमम हो, एल सॉरी आर मिनिमम हो, एल मैक्सिमम हो, और सी भी क्या हो, मिनिमम हो। तो बच्चों देखो, इसमें आर मिनिमम सबसे किसमें, इस वाले में 10 ओम, सही जा रहा है। एल मैक्सिमम हो 2.5 3.5 1.5 5.0 मैक्सिमम, सही चल रहा है, ये हो गया, ये हो गया। सी भी मिनिमम हो, देखो 45 30 35 25, तो ये सब पैरामीटर फॉलो कर रहा है। लोवेस्ट है आर, एल मैक्सिमम है, और सी मिनिमम है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, क्यों। क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली बच्चों किसी सिग्नल की क्वालिटी को बताता है, कितना अच्छा सिग्नल है, ठीक है, सुनाई अच्छे देगा अधिक, है ना, वो सब काफ़ी चीज़ें इसमें है। तो क्वालिटी फैक्टर ये अपना पार्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर बच्चों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंफ्रारेड वेव फ्रॉम द, तो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अभी क्या थोड़ा थ्योरेटिकल है, यूजेस आपको अच्छे समझ में आने चाहिए इसके क्या क्या हैं। तो ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव जो है हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं, जो बॉडी गर्म होती है वहां से ये रेडिएशंस निकलती है, तो काफी थोड़ी हार्मफुल आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत। तो देखो नीचे से अपन चेक करते हैं, दीज रेडिएशन आर यूजफुल इन आई सर्जरी, अरे भाई फोड़ोगे क्या आई को, ठीक है, तो ये तो गलत है भाई, ठीक है। पर आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो जिसमें ई है वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट, आई थिंक ये तो गलत होगा। इसमें भी तुम चाहो तो देखो बच्चों, बी बी दोनों में, तो आप ए और डी को चेक कर सकते, अभी आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं पूरा। इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है भाई, वहीं से ही निकलती है, ठीक है, हॉट बॉडीज से निकलती है। दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस सच एज CO2 एंड वाटर वेपर्स। देखो वहां पे क्या होता है, ठंड ज्यादा है तो वहां पे एक वॉर्म प्लांट्स के लिए अच्छा एक है ना वेदर बनाने के लिए, जिसे वो अच्छे से ग्रो करे, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने के लिए इनको क्या है, ट्रैप कर लिया जाता है इंफ्रारेड, तो टेम्परेचर अच्छा खासा हो जाता है, तो उसमें प्लांट्स अच्छा ग्रो कर जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी इसका यूजेस है। Those waves are used in Earth satellite. तो ये बच्चों अर्थ के सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इंफ्रारेड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सपोजर टू दीज रेडिएशन इंड्यूसेस द
प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलिन। भाई ये तो वुमेन बॉडी में कुछ डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो भाई बहुत हार्मफुल हो सकती है, तो ज़्यादा इसके कॉन्टेक्ट में रहे, ठीक है, तो ये इसमें सही ऑप्शन नहीं है। तो ए बी सी सही है, तो ए बी सी आप देख लो, ये था ही नहीं अपने पास, सही आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, इसमें बी, तो बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट इसमें आंसर होगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अगर इसकी हम बात करें, तो टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे कुछ है, कॉन्सेंट्रिक अपन मान लेते हैं इनको, सेम विद देयर सेंटर, हाँ कॉन्साइडिंग, सेंटर भी सेम बोल रहा है, ठीक है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, ये तो बी है इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस बच्चों क्या है, ए हमको दे रखी है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये और कि ये बहुत छोटा है, हमने बड़ा बना दिया बी को, बाकी बहुत छोटा है, तो इसके कारण अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें इसके सेंटर पे, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला आता है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई टू ए, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, म्यू नोट आई बायो सावर्ट से हम निकाल सकते हैं इसको टू ए, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऐसे, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो जो फ्लक्स होता है बच्चों इस के लिए, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बी ए कोस थीटा, वो जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया तो कोस क्या हो गया, वन हो गया, तो बी तो क्या हो गया बच्चों, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई टू ए हो गया, और एरिया इसका एरिया हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, राइट, तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, ठीक, यहां तक हम लोग आगे। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसके कारण ये है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे काम करे, तो किसके इक्वल होगा बच्चों, एम आई इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नोट आई पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए, आई थिंक आई से आई कैंसिल हो सकता है, अच्छा हमको क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन देन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा इसने जो कॉन्स्टेंट को हटा दिया है सीधे, और केवल इनके रेडियस के टर्म्स में अपने को निकालना है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, एम इज इक्वल टू म्यू नोट पाई डिवाइडेड बाई टू, ये सभी कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, राइट, तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन डी है ये है यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल है किसके, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो ये इसका करेक्ट आंसर, तो m इज प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, पर इस तरीके से आप देखोगे कि आपको अगर फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूले में केवल ये नहीं कि केवल फॉर्मूला आता, आपको चीजें पता है कि कौन को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो इजीली इन क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है, पूछा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है उसको यहाँ पे मेंशन करते जाना है, और इस तरीके से इजीली हम बिना कोई प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, ओके बच्चों।